नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। खबर आगरा से है, जहां पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि एक एनजीओ के जरिए आगरा पुलिस को सूचना मिली कि कन्नौज के परिवार का एक मासूम बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 12 साल बताई जा रही है, उसे खरीद कर लाया गया है, जो थाना न्यू आगरा इलाके के जी होटल में रुका हुआ है। पर जब पुलिस ने होटल में छापा मारा, तब वो बच्चा उसी परिवार के साथ होटल से चेकआउट कर चुका था। वहीं इस पूरे मामले में एक समाज सेवी का कहना है कि उसके पास एक वायरल वीडियो आया, जिसमें वो बच्चा अपनी पूरी आपबीती सुना रहा है। पुलिस वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मेरे पास एक वीडियो आया था, जिसमें एक बच्चे से पूछताछ की जा रही थी। बच्चा बता रहा था कि मुझे 1500 रुपये में एक केयरटेकर के रूप में लाया गया। एक परिवार मुझे कन्नौज से लेकर आया और होटल में मुझे रुकाया। उनके साथ में दो बच्चे भी थे। तो जब इस वीडियो की सत्यता के लिए मैंने होटल पहुंचा वहां पर, तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के साथ में वहां जाके हमने होटल मालिकों से बातचीत की। तो पहले तो होटल वालों ने साफ इनकार कर दिया कि ये वीडियो हमारे यहाँ का नहीं है। लेकिन जब उस वीडियो के आधार पर हमने लॉबी में जाकर देखा, तो वही सोफा था जिस पे वो वीडियो बनाया गया। रात ये वीडियो 9:30 बजे के आसपास बनाया गया है। आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई में आज के समय में रिश्तों की कोई अहमियत है भी या नहीं। रिश्तों को शर्मसार करने वाली दास्तान से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। कहते हैं, ईश्वर से बढ़कर माँ का दर्जा होता है, पर अगर माँ ही कातिल बन जाए तो इसे क्या कहेंगे। जी हाँ, ये सच है। ऐसा ही वाकया हुआ है ताज नगरी आगरा में। फिर रुपए देने के बहाने फरह बुलाया और फिर वहां पर उसने बता दिया कि आज अभी निकला है। फिर उन्होंने जाकर के एक्सरा मोड पर इन्होंने गड़ाबंदी की और जो ही कोहरे का समय था बहुत ज्यादा, और ये पैदल जो ही अपने गांव की तरफ चलने लगा। इन्होंने दबोच करके खाली प्लॉट में इसको पटक के उसके गर्दन को दबाकर इसकी हत्या की तथा पत्थर से ईंटों से कुचल कर इसको खूनारूप किया। बलरामपुर में प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएम राकेश कुमार मिश्र और एसपी प्रमोद कुमार अपनी टीमों के साथ बड़े बड़े भू माफियाओं का कब्जा हटवाने के लिए क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान में दर्जनों गाँव की सैकड़ों बीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में गाँव की जो जमीन पर लोगों ने या तो सरकारी जमीन या प्राइवेट जमीनों के जो विवाद हैं, उनको हल करने के लिए एक ऐसी पहल की गई है जो बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रही है। और इसमें हुआ यह है कि टीमें बनाई गई हैं, प्रत्येक थाने पर दो टीमें रेवेन्यू विभाग की और पुलिस की मिला के बनाई गई हैं, जिसमें करीब 5-5 आदमी दोनों तरफ से रहते हैं, लेखपाल वगैरह मिलकर और थाने के, तो वो जाके मौके पर निरीक्षण करते हैं, मौके पर स्थिति लेते हैं और उन गाँवों में जो भी समस्याएँ होती हैं जमीन संबंधी, उन नाप तोल करके और जो भी वित्तसंगत उसका हल होता है वो किया जाता है। यदि किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, किसी की जमीन पर नहीं दे रहा है, गरीब आदमी है, तो उस पर हटवाया जा रहा है। बुलंदशहर में कोहरे का कहर अभी भी जारी है, जिसके चलते खुर्जा नगर कोतवाली के अग्रवाल फाटक के पुल पर घने कोहरे के चलते करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। तो वहीं बुलंदशहर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक ठेले पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे ठेला लेकर जा रहे युवक की पुल के नीचे गिरकर मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। हमने ये इससे आगे थे यार, क्या मैं पीछा था और ये ट्रक वाला एकदम तेजी में लाया, हमने एकदम ठोक दिया। मैं इतनी आवाज़ भी नहीं दे पाया है ना, तो इतनी देर में तो मार दी। तो जो मृतक है कौन थे आपके भाई थे? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? गाँव से आ रहे या छेद? सुबह की बात है। एक्सीडेंट जो हुआ है, ये घटना जो हुई है, कब की बात है? कब की बात है? गाजियाबाद के मुरादनगर में बहुत बड़ा रेलवे हादसा होते होते टला। लोगों की सतर्कता और रेल प्रशासन की जागरूकता की वजह से एक अनजान शख्स रेल की पटरियां काटते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसे लोगों ने मिलकर खूब मारा, तो वहीं रेल प्रशासन उसे बचाते हुए जीआरपी थाने ले आई, जहां पर उससे जीआरपी पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां अवैध मंदिर और गौशाला पर प्रशासन का बुलडोजर चलने से नाराज युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लाल क्वार्टर में जीडीए दस्ता अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था,
पर जैसे ही बुलडोजर अवैध क्षेत्र में निर्मित गौशाला पर पहुंची तो विरोध कर रही युवती ने अपने हाथ की नस काट ली, जहां से उसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि जब मंदिर या गौशाला अवैध क्षेत्रों में बनते हैं तब कोई मना करने नहीं आता, पर जब लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कल इन लोगों ने, पुलिस वगैरह ने आके तोड़फोड़ करी थी और फिर गायों के साथ बदतमीजी भी करी थी, उनको लातों से मार मार के हटा रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज प्यार से कीजिए, कोई नहीं सुन रहा था। और सुबह ये सब होने से पहले हम डीएम ऑफिस भी गए थे तो डीएम के बराबर में एक सर बैठे थे, उन्होंने मैंने उनसे तीन बार पूछा था कि सर ऐसा तो नहीं होगा कल मेरा एग्जाम है कि हम घर जाएं और आप पीछे से बुलडोजर भेज दो, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं, हंसने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले डीएम साहब सब देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी, उसके बाद आदेश दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग घर पहुंचे भी नहीं तो उससे पहले बुलडोजर खड़े थे, सारा काम हो गया था, वो फोर्स इकट्ठी कर रहे थे अपनी। मथुरा में कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते यूपी हरियाणा बॉर्डर पर आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं करीब एक दर्जन से अधिक लोगों को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव में देर शाम सफीपुर क्षेत्र के परियर मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल पर सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दंपत्ति उसी बस के नीचे आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों लोगों की मौत हो गई। दंपत्ति के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पर घायल बच्ची को देखने के लिए उन्नाव पुलिस अधीक्षक पुष्पांजलि जिला अस्पताल पहुंची और उस मासूम से मिली। मान सिंह नामक एक व्यक्ति जो कि अपनी वाइफ अनीता को लेने के लिए अपने अनीता जो की वाइफ अपने मायके गई हुई थी उनको लेने के लिए वो माखी थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडित खेड़ा में उनको लेने जाते हैं और लिवा के वो जो मूल रूप से सफीपुर के निवासी हैं वो वापस लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में उनकी बाइक को एक बस वाले ने टक्कर मारी है जिसमें कि पति पत्नी दोनों की मौके पर मौत हो गई और इनकी 3 साल की एक बच्ची है जो कि गंभीर रूप से घायल है, उसे जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायल के रूप में भर्ती कराया गया है। इसमें वादी से घर वालों से इनके संपर्क हो चुका है और तहरीर प्राप्त की जा रही है, इसके बाद उचित धाराओं में हम मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई करेंगे। वाराणसी देश का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी पवित्र स्थान पर कुछ लोग आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। यह खबर वाराणसी के ललिता घाट की है, जहां घाट पर फूल माला बेचने वाले दुकानों की कमाई को लेकर आपस में भिड़ गए। वहीं दोनों गुटों की तरफ से लाठी और ईंट पत्थरबाजी होने लगी, मारपीट में काफी लोगों को चोट भी आई। यह लड़ाई तकरीबन 2 घंटे तक घाट पर लगातार चलती रही। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो सूचना मिलने के कुछ समय बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और इस मामले को काबू में किया। वहीं जब इस पूरे मामले के बारे में एक महिला और एक युवक से बात की गई तो उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम लोग दुकानदारी कर रहे थे कि एक आया है औरत आई है दो ठो हमको मारने लगी, पूछने लगी कि क्यों मारे हो, तो हम कहे कि गलती तुम्हारे लड़के का है, तो कहे कि लड़के का है तो तुम क्यों मारे, कहे हमारे चाचा को मर जाएंगे तो कोई काम आएगा नहीं, भाई एक के वही इंसान है मेरे घर में, तो वही में फिर लड़कन क्या किए मार के पकड़ के खींचने लगे हैं सबको, खींचने लगे हमको, वो मारे हैं कि तुम क्यों मारे, हम एक थप्पड़ मारे थे कि हमारे चाचा को क्यों मारे हो, हैं तो भाई कोई भी अपने परिवार में तो बचाव करेगा ना, लड़के भी मारने जा रहे थे सब, तो एक लड़के भी मार रहे थे और औरतें भी मार रहे थे। जी सर, कल सुबह 9 बजे के करीब 3-4 लड़के आए थे अंदर राजश्री माता का दुकान पे, एक माला वाला था वहाँ पे लड़की को तंग कर रहे थे, तो माला वाला उसको समझाने के लिए गया, वो सारे लोग उसको मार दिए, तो मतलब जो घाट के लोग थे वो छोड़ा के जो किया था उनके साथ वो हम लोग उनको थोड़ा सा एकाध दो थप्पड़ मार के भगा दिए, और आज सुबह सर वो लोग 50 से 60 की मात्रा में आए केदार घाट मानसरोवर घाट ये दोनों घाट से और एक ही एका सबके ऊपर हमला कर दिए और यहाँ सबको मारे पीटे और उसके बाद फिर वापस चले। दोस्तों ने ही मौत के घाट उतार दिया। खबर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां पर कुछ दिनों पहले एक 12वीं कक्षा के एक छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस भी छात्र की बड़ी ही गंभीरता से तलाश कर रही थी, जिसे कुछ दिनों बाद गाजियाबाद के जंगलों से मरा हुआ पाया। वहीं पुलिस ने हरकत में आते हुए बड़ी ही मशक्कत के बाद दोषी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कारण और इनसे संबंध खत्म हो गए। इन्होंने यही बताया कि इसी कारण
इन्होंने हत्या करने का मूड बनाया और प्लान करके हत्या। हाँ, ये बुला के और साथ में इन्होंने काफी देर तक साथ रहे, खाया पिया, उसके बाद अपनी कार में ही लेके गया। हाँ, गले पर वार किया और कहीं ये बारहवीं का, वो दो साल पहले बारहवीं पढ़ के छोड़ चुका था और ये कुछ काम धंधे करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।